गाइस वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। अभी मैं बात करने वाला हूँ भोला मूवी का जो टीजर 2 आया है उसके बारे में। तो टीजर 1 में हमने जैसे कि देखा था वो जेल में रहते हैं, और टीजर 2 में जेल का कोई भी सीन नहीं दिखाया, इसमें एक अलग से दिखाया। मतलब टीजर 1 से कुछ भी यहाँ पे हमको दिखा नहीं, एक दो चीज होगा मैंने नोटिस भी नहीं किया उतना, लेकिन टीजर 2 बवाल टीजर हुआ, बवाल टीजर। मतलब हम सबको पता है कि कैथी मूवी का वो रीमेक है, स्टोरी भी हम सबको पता है, जो लोग देखा है कैथी मूवी उसको पता है कि स्टोरी क्या था कैथी मूवी में। लेकिन यहाँ पे हमको ये सुनाई दिया था कि वो स्टोरी पूरा वहाँ से रिमेक नहीं कर रहा है, कुछ उसमें चेंजेस किया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हमको दिखा। और एक्शन, बाप रे बाप, दूसरा लेवल का एक्शन हुआ है। एक सीन होता है जो मारता है, मतलब यहाँ पे गला में मारता है मुक्का, उसके बाद पीछे से जो हड्डी निकल जाता है वो सीन, बाप रे बाप। उसके बाद एक बाइक का सीन है जो लॉरी से टकरा के एकदम लॉरी के नीचे से चला जाता है, मतलब कैमरा का क्या मतलब काम हुआ है वहाँ पे। अजय देवगन एक चीज़ है, डायरेक्शन बहुत अच्छा करते हैं, और रीमेक होना चाहिए तो ऐसे अगर रीमेक बनेगा तो रीमेक पे भी मतलब कलेक्शन होगा, अच्छा खासा कलेक्शन होगा। अजय देवगन का लास्ट मूवी दृश्यम 2, उसमें कितना अच्छा कलेक्शन हुआ, रीमेक है उसके बावजूद भी कलेक्शन हुआ, तो इसको लेके भी एक चांसेस है कलेक्शन होने का। यहाँ पे मतलब हर चीज़ में एकदम परफेक्टली काम किया गया है। और अजय देवगन तो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है, और यहाँ पे भी उसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें दिखाया भी जा रहा है वो जो सीन है जहाँ पे अजय देवगन पूजा करते हैं महादेव जी का, तो ये सब चीज़ जब दिखाएगा ना थिएटर में तो थिएटर स्टेडियम में बदल जाएगा। और इसको लेके अजय देवगन को बहुत ज़्यादा भरोसा है ये मूवी को लेके। आई थिंक एक मतलब ये जो ईयर होने वाला 2023, ये सिनेमा लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट ईयर होने वाला। बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और एक से बढ़कर एक बवाल प्रोजेक्ट बन रहा है। मतलब देख के मैं चौंक गया, 3 से 4 बार देखा मैंने टीजर को, अभी भी आंख नहीं भरा, मुझे मन कर रहा फिर से एक बार देखूं। तो मुझे तो टीजर बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट पे ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।